राजीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं फिर से एक जगह आ गई हूँ जहाँ पे आपको कम से कम रेट में अच्छी फ़िश और चिकन की थाली स्टार्टर आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो ये जगह आता है थाने वेस्ट में सावरकर रोड में। आज मैं आई हूँ सोरकुल। यहाँ पे ना इनकी फ़िश की आइटम्स जैसे कि बोम्बिल बोलो आप, यहाँ पे चिकन मसाला बोलो, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं ये दोनों थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ। ये थोड़ा नो नॉनसेंस प्लेस है, मतलब एकदम सादा जगह है, लेकिन यहाँ की जब भी भीड़ की बात है तो लिटरली जगह काफ़ी पैक है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा है। तो जब भी आप यहाँ पर आए थोड़ा हाथ में टाइम लेके आइए। इसका टाइमिंग है सुबह 11:30 से 3:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10:30 बजे तक। तो चलिए इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करते और अंदर जाते और खाने का आस्वाद लेते हैं। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ना सिटिंग एरिया एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ। एक्चुअली फुल भरा हुआ है रेस्टोरेंट। मेरे पास इसका मेन्यू कार्ड भी है, तो ये देखिए मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ। इसका मेन्यू कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। आपको फ़िश, मटन और वेज में ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये देखिए मेरा पहला ऑर्डर आ चुका है। ये रहा, यहाँ पे बोम्बिल का प्लेट आ गया है जहाँ पे मुझे 5 पीस बोम्बिल दिख रहा है और ये पहला स्टार्टर आ चुका है। तो अब इसको खा के देखते हैं ये कैसा है। तो कलर वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, एकदम गोल्डन क्रिस्पी फ्राई है। और इसमें ना एक्चुअली ये देखिए रवा और है ना आटे का मिक्सचर लगा के एकदम मसाला मस्त कोट करके लग रहा है। चलो खा के देखते हैं ये कैसा है। बोम्बिल ना काफ़ी क्रिस्पी है, मसाला और सारनेस। आपको अगर पता है तो मेरा सारनेस विद द फिश शुड मैच एंड इट इज़ परफेक्ट। इट्स सो यमी। सी दिस, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया है और फिश एकदम फ्रेश है। अगर आपको मैं अंदर दिखाऊँ तो इट इज़ फुल वाइट एंड फ्रेश, एकदम जाड़ा कोटिंग भी नहीं है, एकदम हल्का सा कोटिंग है बट क्रिस्पी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने और मेरा ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही ऑर्डर आता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिटरली इतना रश है ना, आपको फटाफट ऑर्डर देना पड़ेगा वरना टाइम लग सकता है। तो जब तक मैं बोम्बिल खा रही थी, और बोम्बिल मैंने एक ही ख़त्म किया था, तो तब तक मेरे थाली और स्टार्टर्स दूसरे भी आ गए। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। पहले थाली से शुरुआत करते हैं। मैंने मंगाई है सुरमई थाली। यहाँ पर आ गई है आई गेस 2 से 3 चपाती दी है उन्होंने। यहाँ पर प्रॉन्स का ना ग्रेवी जैसा कुछ तो है, हम टेस्ट करेंगे और बताएँगे। ये मालवानी करी है, इसमें सोल करी है, राइस है और सुरमई का पीस देखिए। दिस सच अ ह्यूज वन। वाओ, इसका कटिंग देखिए, एकदम भी थिन नहीं है और ज़्यादा भी जाड़ा नहीं, एकदम परफेक्ट मसाला कोट करके दिया है। और यहाँ पे मैंने चिकन मंगा लिया, चिकन सूखा। यहाँ पे चिकन मसाला और चिकन सूखा का थाली भी काफ़ी अच्छा होता है, बट मैंने एक थाली मंगाई है करके मैंने यहाँ पे चिकन सूखा मंगा दिया है। यहाँ पे मैंने मंगाया है प्रॉन्स फ्राई। प्रॉन्स फ्राई इतना डिलीशियस लग रहा है ना, उसके साथ थोड़ा सा ग्रेवी भी दे दिया है बट इट लुक्स डैम डिलीशियस। तो चलिए प्रॉन्स फ्राई के साथ ही खा के देखते हैं। इसकी कोटिंग देखिए, रवा और चावल का जो पीट होता है मतलब फ्लावर, उसको एकदम अच्छे से कोट किया है। थोड़ा सा तेल रखा है उसको होल्ड करने के लिए, बट द कलर इज़ ऑसम, ऑरेंज येलो, और रुखा नहीं जा रहा। खा के देखता है। ओ वाओ, आज तक ना मैंने ऐसे प्रॉन्स खाए कि इधर भी नहीं खाया। आई एम स्वेयर दिस इज सो गुड गाइस। ये जो प्रॉन्स है ना, इसकी जो मसाला है, खटास है, इसका जो क्रंचीनेस है, इसका जो स्वीटनेस है, जो प्रॉन्स का जो अंदर से ऑटोमेटिक आ रहा है। वाओ, आई मीन दिस इज़ अ वेरी एडिक्टिव डिश कि एक के ऊपर एक खाते रहोगे। यमी, एकदम चौविष्ट और एकदम डिलीशियस। तो चलिए अभी हम लोग ना फ़िश खाते हैं। मैं फ़िश का ये कांदा और नींबू बाहर रखती हूँ। चपाती मैं काउंट करके बता देती हूँ एग्जैक्टली कितना है। 3 चपाती है, वो भी इतने बड़े बड़े। एक्चुअली काफ़ी नॉर्मल साइज़ से बड़े हैं ये चपाती। तो मैं ये थोड़ा सा तोड़ती हूँ। और है ना, ये जो प्रॉन्स की ग्रेवी दी है ना, ये मुझे काफ़ी टेम्प्ट हो रही है क्योंकि हमेशा ना थोड़ा सूखा रहता है। ये मीडियम साइज़ थोड़े प्रॉन्स है। झोला के जो थोड़े बड़े साइज़ होते हैं ना, वो वाला है। और इसमें ना कांदा, टमेटो मुझे अच्छे से दिख के आ रहा है और ना कोरिएंडर लीव्स दिख के आ रहा है। चलो ये थोड़ा लेते हैं और खा के देखते हैं। ये मुझे काफ़ी टेम्प्ट कर रहा था जब भी उन लोग सबके प्लेट में प्लेटिंग कर रहे थे ना। वाओ, क्या टेस्ट है। यहाँ पे मुझे ना थोड़ा बहुत कड़ी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स और कांदा ना एकदम अच्छे से परता गया है। इसमें ना जो ऑयल सेपरेशन होता है ना एकदम अच्छे से परतने के बाद वो पूरा अच्छे से फील हो रहा है। अब मैं ना चपाती लेने वाली हूँ। इट इज़ टू गुड। और ये ना राइस के साथ खा के मज़ा आने वाला है। अब ये ना ये मैं बोम्बिल के साथ थोड़ा लेके खाने वाली हूँ। ये देखिए बोम्बिल लिया है, ग्रेवी में डुबोते हैं और खा के देखते हैं कैसा है। वाह, जैसे मैंने बोला था बोम्बिल से बहुत अच्छा ही है, बट ग्रेवी इज़ टू गुड। एक्चुअली ना ऐसे सादे रेस्टोरेंट का नाम यूएसपी वो रहता है कि सादा है, एसी वाला नहीं है रेस्टोरेंट, बट खाने में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए ग्रेवी की बात बोलूँ ना, कोकोनट बेस्ड है जो हमारा मालवनी इसमें होता है। आज है ना इसमें मांदली और थोड़ा बोम्बिल डाला गया है फॉर द टेस्ट। और इसमें मुझे कड़ी पत्ता और वो ऑयल जो छूट के आया है बहुत अच्छी तरीके से फील हो रहा है। एकदम अच्छी तरीके से परता गया है, मतलब अच्छी तरीके से कुक किया गया है। आई कैन फील दैट। और मैं जो बोलती हूँ ग्रेवी में जो सारनेस होनी चाहिए स्पेशली व्हेन इट कम्स टू महाराष्ट्रियन डिश, वो है। और वो टेस्ट लिटरली उभर के आ रहा है और यमी लग रहा है। चलिए अब मैं ना सुरमई खाने वाली हूँ। ये देखिए सुरमई एक्चुअली काफ़ी गर्म है। आहा, ये देखिए पीस थोड़ा सा पहले ऐसे ही खा के देख रही हूँ क्योंकि मुझे लेमन की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। खट्टापन एकदम प्रॉपर डाला गया है, तो अभी मैं पहले इसको ऐसे ही खा के देखने वाली हूँ। टू गुड एंड फ्रेश। सी दिस फिश की वाइटनेस, फिश की जो फ्रेशनेस है आपको हाथ में पकड़ने से, खाने से पहले ही आपको फील होगा। इसकी जो कोटिंग है ना, इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छे से की गई है क्योंकि कोटिंग में हल्का सा मसाला और है ना इसमें जो मसाला लगाया गया है मालवनी वो भी बहुत अच्छा है। और इसमें जो एकदम पतली सी कोटिंग है चावल और अपने रवे की है जिसे एकदम बारीकली उसको अच्छे से पिसा गया है, तो उसके कारण टेस्ट काफ़ी उभर के आ रहा है। नमस्कार, माझा नाव जॉन बेबीता है। रेस्टॉरंटचं नाव सोरकुल है। आम्ही चालू केलं 1997पासून इकडे चालू आहे। स्वर्गीय दिघे साहेबांच्याकडून ओपनिंग झालेलं होतं रेस्टॉरंट। आम्ही इकडे पूर्ण मालवणी पद्धतीचं जेवण बनवतो, ते पण घरगुती पद्धतीनेच बनवतो आम्ही। तुम्ही बघितलं असेल की पूर्ण लेडीज स्टाफ आहे इकडे ऑलमोस्ट, आणि जे आहेत रिजनेबल रेटमध्ये अफोर्डेबल फूड आणि विथ परफेक्ट क्वालिटी। अँड आमचा टायमिंग असतो सकाळी 11:30 ते 4 o'clockपर्यंत ऑपरेटिव्ह असतो, मग संध्याकाळी 11:30 पर्यंत। अभी ना चिकन सुखा खा के देखते हैं। ये देखिए चिकन सुखा, यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस दिए हैं। मैं ना इसमें से ना एक दो पीसेस प्लेट में निकालती हूँ और काफ़ी बड़े बड़े पीस है। चिकन लेग पीस भी दिया है, वाह। और यहाँ की ग्रेवी है ना थोड़ी मुझे ऐसा थिक थपथपी दिख के आ रही है, कांदा दिख के आ रहा है, मस्त कोरिएंडर दिख के आ रहा है। और है ना कि जो ऑयल सेपरेट हुई है ना एकदम मतलब अच्छे से इसको पकाया गया है। इसको भी थोड़ा डाल लेते हैं ऊपर। अब मैं चपाती ले रही हूँ और है ना चिकन सुखा के साथ खाने वाली हूँ। चपाती की क्वालिटी अगर बोलूँ ना गाइज, इट इज़ वेरी थिन एंड वेरी नाइस सॉफ्ट। ये देखिए चिकन दिख, ओह माय गॉड, ये मैं हाथ लगाते ही एकदम निकल के आ रहा है। ये देखिए काफ़ी गर्म है, एकदम हाथ में निकल के आया है। तो अभी मैं इसको और थोड़ा चिकन ले लेती हूँ। ये ले लिया और है ना मसाला लेते हैं इसका। ये देखिए ये मैंने मसाला चिकन पूरा अच्छे से एक बाइट में ले लिया, खा के देखते हैं। प्रॉपर मालवनी टेस्ट है, वाओ, इट्स सो जूसी। चिकन है ना एक्चुअली जूसी है अंदर से और एकदम ना अच्छे से टूट के आ रहा है। और लेग पीस होके भी ये इतना अच्छे से कुक हुआ है। इसको ना थोड़ा मसाले के साथ, ये मसाला है ना मालवनी मसाला दिया हुआ है और इसमें कोकोनट दिया हुआ है, कांदा अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा टमाटर एकदम अच्छे से मिक्स करके इसको परता गया, इसको अच्छे से कुक किया गया। और जो ऑयल सेपरेशन का जो टेस्ट आता है ना उसके बाद मज़ा ही आता है। टू गुड। तो गाइस अभी मैं राइस खाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने मेरे प्लेट में ना बोम्बिल और प्रॉन्स दोनों ही ले लिया है और मैं अभी राइस निकालती हूँ। राइस एकदम खिला खिला है, एकदम अच्छा लग रहा है। अभी इसमें ना मैं पहले चिकन के साथ पहले खाने वाली हूँ, तो इसको थोड़ा आधा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फ़िश के साथ खाने वाली हूँ। तो इसका एक ग्रेवी लेते हैं, आहा, और है ना एक चिकन का पीस भी लेते हैं। ये देखिए चिकन का पीस एकदम अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए ज़रा भी हाथ लगाइए तो है ना एकदम अलग से सेपरेट हुआ है। इतना अच्छा कुक हुआ है ना कि वो खुद को होल्ड कर रहा है और जैसे ही हाथ लगाने से ना टूट के आ रहा है। वाओ, मैंने ये मिक्स किया है, अभी मिक्स करके खा के देखते हैं। ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और चिकन है ना इतना अच्छा जूसी है, एक तो ऊपर से टेंडर हुआ है। This chicken quality is very good. It is so juicy and so nice. I wonder why people are eating chicken masala thali over here so much. क्योंकि chicken masala में आपको chicken सूखा और chicken की gravy भी मिल जाती है और वो भी I guess 120 रुपीज़ में। मैं आपको सारे प्राइस नीचे description में भी ऐड करने वाली हूँ और मेरे स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो आप आपके सारे प्राइजेस के साथ अपडेटेड रहेंगे। हमने चिकन खा लिया, अब मैंने एक्चुअली इतना खा रही हूँ ना कंटिन्यूसली। अभी सोल कड़ी पी के देखते हैं, ये वाला यहाँ पे देखिए सोल कड़ी, मस्त पिंक कलर है, कोतम्बीर दिख के आ रहा है मुझे इसमें। अब पी के देखते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ वाओ, दिस इज़ फ्लेवरफुल प्रॉपर, जो टस्का लगना चाहिए वो, और मैं लिटरली रुक नहीं पाई एक दो सिप के बाद। दिस सो डिलीशियस। मैंने कैमरा रुका के पहले एक गिलास मंगा लिया है क्योंकि मुझे डर है वो ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने पहले वो कर लिया। इट इज़ टू डिलीशियस, क्योंकि इसमें कोकम का जो सारनेस होना चाहिए और ठसका होना चाहिए मिर्ची का, अदरक का, वो पूरा प्रॉपरली आया है। एकदम भी पतला नहीं है लेकिन एकदम फ्लेवरफुल है। अभी मेन खाते हैं सार और फिश। ये देखिए, पहले सार ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा। मुझे एक्चुअली नींबू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो सारनेस है ना प्रॉपरली उन्होंने डाला गया है। तो अभी मैं ना पहले कोलंबी के साथ खाने वाली हूँ। ये देखिए कोलंबी फ्राई और सार भात, ये क्या कॉम्बिनेशन है। इट इज़ टू गुड। आपको लगता रहेगा कि मैं टू गुड सच में बोल रही हूँ। आप जब तक यहाँ पर आओगे नहीं तो आपको इसका स्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सच ही में अच्छा है। और है ना, मुझे खाने का लेके मैं काफ़ी बड़ी फूडी हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। दिस इज़ वेरी नाइस। अभी मैं ये ना बोम्बिल के साथ खा रही हूँ। एक्चुअली फ़िश में मसाले अच्छे लगे, ग्रेवी में अच्छा सा सारनेस और मसाला है, और राइस की क्वालिटी भी अच्छी है, तो गलत तो जा ही नहीं सकता। इट इज़ सो नाइस। अभी मैं इसको सुरमई के साथ खाने वाली हूँ। ये देखिए सुरमई का पीस ले लेते हैं, इसको सुरमई का पीस करके छोटा सा। चलिए, फिश की क्वालिटी इज़ वेरी गुड, फ्रेश। मैं अगेन वही बोल रही हूँ, जैसे आप संडे को खाना पसंद करते हो, मुझे संडे को अगर फिश सार भात मिल जाता है ना और मस्त गरम खाते ना, मज़ा ही आ जाता है। ऐसा ही कुछ फीलिंग है। तो गाइज़, मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलते थोड़ी देर में। आहा, आज क्या मज़ा आया खा के। लिटरली एकदम ना होम स्टाइल था, जैसे ना मेरे घर पे बनती है ना करी, वैसे ही उसकी टेस्ट थी। मुझे तो खा के मज़ा आ गया। I mean, क्या फ़िश का कोटिंग था, फ़िश का मसाला, तो जो सारनेस होनी चाहिए ना फ़िश में, जो लगनी चाहिए तो और करी में लगनी चाहिए, वो प्रॉपर था एकदम। और उसके साथ जो चिकन था, चिकन एकदम जूसी, एकदम मस्त बनाया गया था। उसकी जो कोकोनट की ग्रेवी थी वो भी बहुत अच्छे से परती गई थी, बहुत अच्छे से कुक की गई थी, इसके कारण काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड नाइस, क्वालिटी वॉज वेरी गुड। ये जो ऑयल यूज़ करते हैं वो उन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है मेन्यू में। ऐसे ही कोई भी ऑयल उन्होंने यूज़ नहीं किया है। जो खाने का टेस्ट है ना आपको उससे ही समझ आ जाएगा। और क्लीन और हाइजीन है पूरा किचन एंड द सर्विंग प्लेस ऑल्सो। अभी आपसे बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट, वो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जितना ही आप मेरी ये वीडियो को लाइक करोगे ना, मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं ये और कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप ये शेयर करोगे फैमिली के साथ तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी होगा नहीं। और गाइस, कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या कंटेंट देखना है, ताकि मैं वो नेक्स्ट इस वीडियोज़ में ऐड करती जाऊँ। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर देन। अंटिल देन, लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।